गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, कल हमने कुल उपयोगिता के बारे में बात की थी, आज हम उपयोगिता से जुड़े हुए विश्लेषण करेंगे और इनका संख्यात्मक रूप से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उपयोगिता किस प्रकार से बढ़ती है या कब तक बढ़ती है या कब तक घटती है, इसका और के साथ क्या संबंध है, क्या नहीं है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। इसमें तो कुल उपयोगिता के बारे में जितनी जो स्टडी है उसका हम अध्ययन करेंगे। कुल उपयोगिता के बारे में देखो, उपयोगिता को अगर हमने बात की तो क्लास टाइम हम बात की थी टोटल यूटिलिटी, सॉरी TU और MU, जिसे हम बोलते हैं कुल उपयोगिता और इसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। और मैंने कल आपको सूत्र भी बताया, TU बराबर U फर्स्ट, U टू एंड U थर्ड, यानी पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, तीसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को छोड़ दें तो हमारे पास कुल उपयोगिता जाएगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बताती है मार्जिनल यूटिलिटी, ये कहना चाहती है चेंज DU अपॉन चेंज क्वांटिटी, चेंज क्वांटिटी यानी कि एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो MU इक्वल टू TU 1 माइनस TU n माइनस 1, सॉरी TU n माइनस TU n माइनस 1 इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, इससे मतलब अंतिम इकाई से पहले की इकाई प्राप्त उपयोगिता। अब इसे मैथमेटिकली नंबर के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। इसको समझने के लिए एक नंबर लेता हूं, इधर हम मान लेते हैं क्वांटिटी ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यूनिट्स है, इधर टोटल यूटिलिटी है। यहाँ पर Q का मतलब होता है इकाइयाँ, क्या है इकाइयाँ, और यहाँ TU का मतलब होता है कुल उपयोगिता, उपयोगिता, इनका मतलब ये है कि ये इकाइयाँ ये कुल उपयोगिता है। अब इनकी मदद से हम TU और MU में संबंध देखते हैं, टोटल यूटिलिटी और MU रिलेशन ढूंढते हैं कि एक इस प्रकार से रिलेशन क्या है। कुल उपयोगिता कहती है सभी वस्तु, एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। ये इसके अकॉर्डिंग सीमांत उपयोगिता है एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने के बदले कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता कहलाता है। देखो, एक कोई व्यक्ति है, एक लड़की है, एक लड़का है, इसका नाम है राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार ने बनाना का कंजम्पशन किया,
इसका कंजम्पशन क्या 12 मेगावाट। जब वो कुछ नहीं खा रहा था तो उसकी टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता क्या थी, जीरो। क्या थी, जीरो। जैसे ही उसने एक केला खाया उसकी उपयोगिता बढ़ के हुई 10। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारा भूखा था और उसके लिए उपयोगिता क्या थी, जब इसी 10। जैसे ही दूसरा केला खाता है तो इसकी उपयोगिता बढ़ के हुई 16। आप ये सवाल कर सकते हो सर ये 10 पहले 10 दूसरे 10 क्यों नहीं, इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में संतुष्ट हो गई थी, इसीलिए कुल उपयोगिता बढ़ने बड़ी तो है लेकिन घटती उधर से। तीसरी वस्तु का कंजन, तीसरा केला खाया कुल उपयोगिता बढ़ गई होगी 20। चौथी यूनिट यूज में किया कुल उपयोगिता बढ़ गई होगी 22। पांचवी इकाई का उपयोग किया कुल उपयोगिता 22 रहती है, इसमें नो चेंज। इसका मतलब ये है कि जब ये चौथी इकाई कंजप्शन कर रहा था तब ये फोर्थ यूनिट्स, कौन सी यूनिट, ये जब फोर्थ यूनिट्स को अगर ये कंजम्पशन कर रहा था तब तक उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो चुकी थी, लेकिन इंसान है, दिमाग लालची है, दिल पे बेकाबू है, तो ऐसी स्थिति में क्या करे, वो और खाना चाहता है, एक एक्स्ट्रा खा लिया तो फिर भी उपयोगिता बढ़ी नहीं। लेकिन वही बात है कि जब सामने अच्छा खाना हो, अच्छे फ्रूट्स हो, तो कौन रुकता है, नहीं रुकता तो समस्या नेचुरली आनी आनी है। जैसे ही छठी का उपयोग करता है तो कुल उपयोगिता गिर के माइनस हो जाती है, गिर जाती है 22 से नीचे जाती है, तो ये कुल उपयोगिता। अब हम इसकी मदद से सीमांत उपयोगिता को चेक करते हैं। हाँ जी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो इकाई कंजम्पशन, यूटिलिटी जीरो, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो कंजम्पशन ही नहीं जीरो। अब मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि एक अतिरिक्त इकाई इकाई के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप रूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है, यानी सीमांत उपयोगिता कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं आपको एक सिंपल वर्ड्स में, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। इसका सूत्र MU बराबर TUn - 1, ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है, इसका सूत्र है। सूत्र के अकॉर्डिंग mu का मतलब होता है mu बराबर सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, और tu का मतलब होता है अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। और TUn - 1 का मतलब अंतिम से पहले, अंतिम से पहले इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगी
ये फॉर्मूला, यानी कि इसका मतलब अंतिम इकाई और उससे अंतिम इकाई से पहले से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, ये इस प्रकार से है। अब हम इसकी मदद से देखते हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कौन सी मान उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ जीरो यूनिट कंजम्पशन कर रहे थे, ये जीरो जीरो, अब आपने जीरो से एक कितना एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा, वन, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन किया, तो इस कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन है, जीरो से बढ़े कितना है, दस, तो आपका एम यू कितना हो गया, टेन, कितना हो गया, टेन। जैसे ही आपने दूसरी यूनिट्स बढ़ाई वन से टू, कितना एक्स्ट्रा, वन, इसमें चेंज कितना, सिक्स, पहले टेन था अब सिक्सटीन हो गया, तो चेंज कितना, छह नंबर, तो आपका यूनिट हो गया सिक्स। टू से थ्री आपने कितना एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाया, वन, और इसमें कितना चेंज है, फोर, कितना चेंज, फोर, ये आपका मार्जिन ट्रिम, यहां से यहां कितना बढ़ा, वन, और चेंज कितना, टू, ये यहां से यहां तक कितना बढ़ाया, वन, चेंज कितना, जीरो, यहां से यहां तक बढ़ाया, वन, और चेंज कितना, माइनस टू, टेन, सिक्स, फोर, टू, जीरो, माइनस टू, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। मैंने क्या किया, दूसरे में पहले कैंट है, इनसे दो चीज समझ में आती है, पहला क्या है कि कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हो जाती है। ये इस प्रकार से हम टी यू एम यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एम यू की मदद से हम टी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला एम यू में सेकेंड वाला एम यू जोड़ दें तो हमारे पास टी यू मिल जाएगा, टोटलिटी मिल जाएगी। ये इस प्रकार से इनमें रिलेशन है, हम इसको डायग्राम के रूप से समझने का प्रयास करते हैं, इनका डायग्राम बनाते हैं। ये कुल उपयोगिता वक्र होता है वो ऐसा होता है, याद रखना, ये बढ़ता है फिर बढ़ने के बाद कम होता है, देखो यहां से 0, 10, 16, 20, 22, जीरो से शुरू हुआ ये 20 तक यहाँ तक पहुँच गया, मान लो नंबर मान लेते 22 है, जीरो से शुरू हुआ फिर वापस जैसे कंजम्पशन करते हैं गिर गया जाता, तो इस प्रकार से सेम होता है, उल्टे यू आकार का, उल्टा यू आकार, याद रखना। कुल उपयोगिता वक्र कैसा होता है, उल्टे यू आकार, कैसा होता है, उल्टे यू आकार का। ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये है ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है जो मेरा गिरती रहती है, पहले 10, 6, 4, 2, यहाँ 10 थी, यहाँ 0 है और ये माइनस 2। आपने जब पहली गुड से कंजम्पशन किया था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 10, दूसरे क्या 6, 4, 2, 0, 2। इसका मतलब ये है कि आप किसी वस्तु का कंटिन्यू उपयोग करते हो
तो उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या आती है, गिरावट आती है। अब इस एनालिसिस से दो चीज समझ में आती है। पहली बात क्या समझ में आती है, कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती दर से, घटती दर से। मेरा कहने का मतलब ये कि यहां से लेकर यहां तक या इस फेज में कहें, इस यहां से लेकर यहां तक अगर मैं एक सर्कल डालू तो एक ऐसा वक्र होगा। आप राइट एंगल डाल के भी, एक स्ट्रेट लाइन डाल के भी इसका कर्व को शो कर सकते हो कि इसका डाल के इस प्रकार से है या नहीं है। ये यहां से यहां तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, TU increase, then MU decrease, MU decrease। यानी कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती दर से, यानी किसकी दर घटती थी, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। 10 से 16 हुई, पहले कैसे कितना आती 10, दूसरे कितनी 6, यानी कि पहले से कितना 10 तो, लेकिन दूसरे से 10 नहीं हो रहा, दूसरे से कितना 6, क्योंकि 6 ही तो बढ़ा पहले से 10, तीसरे से 4, फिर 2, फिर 0। तो यहां से लेकर यहां तक कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती भी दर से, ठीक। अब इससे आगे हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं TU इंक्रीज देन MU डिक्रीज, यानी जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो मार्जिनलिटी गिरती है। यहां से लेकर यहां तक 10, 16, 20, 22 सॉरी यहां पर ये TU इंक्रीज ये बढ़ रही है लेकिन MU यहां से लेकर यहां तक गिर रही है। क्या हो रही है, गिर रही है MU, MU गिर रही है। तो पहला रिलेशन इनमें ये है, क्या रिलेशन है, कि कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती भी दर से, ठीक है। सेकेंड रिलेशन इनमें ये है, सेकेंड रिलेशन ये है
कभी कभी ये हानिकारक भी हो सकती है, तो वो यही है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम होने पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जैसे अगर मैथमेटिकल तरीके से है तो टी यू मैक्सिमम देन एमयू जीरो, एमयू जीरो यहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और उसके सामने एमयू जीरो है। एमयू क्या? जीरो। ये दो प्रकार के संबंध हमने भी देखे। आगे देखने के लिए एक बार देख लेते हैं, छोटा सा लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता किसी वस्तु के लगातार उपयोग में लेने के बदले, वस्तु के लगातार उपयोग में लेने के बदले बदले हाँ। तो इस प्रकार से हम इनके बीच में संबंध को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं छोटा सा रिकैप कर रहा हूं कि कुल उपयोगिता किसी वस्तु से वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग करने के बदले उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने के बदले व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के बदले कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, और ये इनके सूत्र थे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और ये मैथमेटिकल तरीके से बताया। पहले इसमें कुछ रिश्ता बताया, पहला रिश्ता तो ये मैंने बताया कि कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से, यानी कि यहां से यहां तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन इनकी दर क्या है? घटती हुई, 10, 6, 4, 2, यही सीमांत उपयोगिता गिरती है। इसे आगे अगर समझे तो इसे कहेंगे कि जब कुल उपयोगिता इंक्रीज होती है या बढ़ती है देन एमयू डिक्रीज, यानी कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? गिरती है। यानी कि यहां से यहां तक बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता यहां से लेकर यहां तक गिरती है। सेकंड रिलेशन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। आगे देखते हैं हम, यानी कि ये तीसरा फेज है। अगर मानो कुल उपयोगिता यहां से यहां तक गिर रही है, जैसे 22 से 20 हो गई तो कुल उपयोगिता गिर रही ना, जहां पहले 22 था अब 20 हो गया, पहले 22 था अब 22 हो गया, पहले 22 था अब 20 हो गया, तो गिर रही है। ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 से -2 की होगी, यानी कि ये गिरावट हो गई। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो टी यू इज डिक्रीज देन एम यू इज नेगेटिव, इज इट नेगेटिव, एम यू इज नेगेटिव, टी यू डिक्रीज देन एम यू इज नेगेटिव,
यानी कि जब कुल उपयोगिता गिरती है तो सीमांत उपयोगिता कैसे होती है? ऋणात्मक। कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से हम TEU और MEU में संबंध को देखा है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा समझे, इस बिंदु को जो ये कुछ ये पूर्ण संतुष्टि बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्ण संतुष्टि बिंदु, संतुष्टि बिंदु, ठीक है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु बोलते हैं। यानी कि इस पे एक उपभोक्ता अधिकतम हो जाता है कि उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। अगर इसके बाद भी किसी गुड्स का कंटिन्यू कंजम्पशन करता है तो उस गुड्स की उपयोगिता कम होगी। मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि किसी भी वस्तु का लगातार उपयोग करें आप तो उसकी उपयोगिता गिरती है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जिसकी उपयोगिता नहीं गिरे। अगर आप लगातार किसी गुड्स का कंजम्पशन करेंगे तो उसकी यूटिलिटी में डिक्लाइन आएगा, आना या ना, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु, उसमें कमी आएगी ही आएगी। तो ये इसके बारे में कहा गया है कि उपयोगिता में क्या होगी? कमी होगी। इस प्रकार से हमने तीन संबंध देखे। पहला संबंध ये देखा कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है। ये कुल उपयोगिता यहां से आगे बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। दूसरा संबंध हमने ये देखा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तीसरा संबंध ये देखा कि जब कुल उपयोगिता गिरती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, कम होती है। यानी कि 22 से 20 होना गिरती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ जाती है, यानी कि 0 से भी -2 आ जाती है। इसका उपयोग आप अपनी जिंदगी में देख सकते हो। जिस दिन आप नए यूनिफॉर्म पहनते हैं उस दिन आपके लिए उपयोगिता होगी, लेकिन उसी यूनिफॉर्म का अगर लगातार आप उपभोग करते हैं तो साल 6 महीने के बाद आप उसे पहनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता आपके पास कम हो गई है। आप जब शादी सीजन में जब शादियाँ शुरू होती है तो खाना खाना आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप 1-2-3 बार लगातार शादी में जैसे खाना खाते हो तो आपको वापस वही अपने घर की रोटी याद आ जाती है। और इसीलिए याद आती है क्योंकि उसकी जो बाहर का खाना है उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को देखा है और आप इसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। बच्चों ने आपके एग्जाम में आता है और 20 मार्क्स का था। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो घर पे बैठ के पढ़ें और घर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू। धन्यवाद।